गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी कंटिन्यू चैप्टर सेकेंड दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लास्ट वीडियो में हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस किए थे आज हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो टेलर डिवेड सम टेक्निक्स फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट तो टेलर ने कुछ टेक्निक्स को हमें दिया है तो बिजनेस रन करने के लिए फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप टेलर सुजेस्टेड दैट डिफरेंट एक्टिविटीज शुड बी अंडरटेकन बाई स्पेशलिस्ट ओनली टेलर ने बोला है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको सिर्फ स्पेशलिस्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए ही सुजेस्ट दैट टू फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड प्रोडक्शन शुड बी सेपरेटेड देखो बिजनेस के अंदर टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं फर्स्ट प्लानिंग एंड सेकंड प्रोडक्शन तो प्लानिंग के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट होना चाहिए और प्रोडक्शन के लिए डिपार्टमेंट डिफरेंट होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि सेम डिपार्टमेंट दोनों ही काम कर रहे हैं नहीं दोनों के डिपार्टमेंट दोनों के मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए फंक्शनल मीन्स काम के बेस पे ही मैनेजर वर्कर्स होने चाहिए द प्लानिंग डिपार्टमेंट शुड कंसेंट्रेट ऑन प्लानिंग द टास्क जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो कंसेंट्रेशन करे सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग पे एंड इशुंग इंस्ट्रक्शन टू वर्कशॉप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान बना के वर्कशॉप को इंस्ट्रक्शन दे दे सेकेंड डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वर्क शुड वी अंडरटेकन बाई दोज हुई स्पेशलाइज इड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं वो स्पेशल होने चाहिए उस काम में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल एग्जीक्यूट द वर्क डिवाइज्ड बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट जो वर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दे दिया उनको वो क्या करें इम्प्लीमेंट करें टे सुजेस्टेड दैट ईच डिपार्टमेंट शुड वर्क डिवाइडेड बाई सुपरवाइजर तो जो एक्सपर्ट है जिस काम में उसी अकॉर्डिंग ही वर्क होना चाहिए अब देखो अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट में फोर टाइप्स के वर्क होते हैं रूट क्लर्क रूट क्लर्क प्लानिंग मैनेजर वो होता है जो क्या करता है सीक्वेंस सेट करता है रूट क्लर्क ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड डायरेक्ट द वर्कर टू फॉलो द सेम अब देखो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो फर्स्ट मैनेजर है वो होता है रूट क्लर्क जो कि सीक्वेंस सेट करना है कौन सा वर्क पहले करना है कौन सा बाद में करना है सेकेंड आगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टू ले डाउन द एग्जैक्ट मैथड ऑफ डूइंग वर्क इंस्ट्रक्शंस देता है कि वर्क को एग्जैक्टली exactly करना कैसे है यूज टूल एंड इक्विपमेंट कौन से टूल यूज करने हैं एंड ऑप्टिमम स्पीड एंड ऑप्टिमम स्पीड एट विच आर टू वी वर्क किस स्पीड पर काम करना है तो ये सब ड्यूटी कौन किसकी होती है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की तो ये प्लान करता है कि किस स्पीड में किस इक्विपमेंट से वर्क करना है थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कि कितना टाइम करना है कितना टाइम लगेगा ये सारी सेटिंग टाइम की टाइम क्लर्क करता है टू कीप रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम वो टाइम रिकॉर्ड करता है कि कितना काम करने में कितना समय लगा फोर्थ है शॉप डिस्क्रिमिनेरी टू डील विद द काजेज ऑफ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एंड एबसेंटिज्म अगर कोई वर्कर डिसिप्लिन को ब्रीच करता है तोड़ता है एबसेंटिज्म ज़्यादा है तो उन सभी की ड्यूटी किसकी होती है शॉप टी स्क्रीमनेरी की तो ये हो गया प्लानिंग जो पर्सन प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी फोर टाइप्स के बोस होते हैं मैनेजर्स होते हैं फर्स्ट होता है गैंग बोस गैंग बोस क्या करता है to assemble and set up various equipments and tools to enable the work to begin their work immediately after entering the shop जब भी shop में enter हो गया किस tool का इस्तेमाल करना है कैसे करना है कब विगिन करना है तो वो सारा ध्यान गैंग बोस रखता है स्पीड का ध्यान स्पीड बोस रखता है कि कोई मशीनरी सही रन तो कर रही है सही एक्यूरेट स्पीड है या नहीं रिपेयर बोस मशीनरी की क्लीनिंग मशीनरी की सर्विसिंग रिपेयर का ध्यान रखता है इंस्पेक्टर क्या करता है ठीक है क्वालिटी का ध्यान रखते हैं क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कम तो नहीं हो रही तो इस सभी का ध्यान कौन रखता है इंस्पेक्टर रखता है तो ये होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट आपका होगा यहाँ पे फंक्शनल फॉरमेनशिप के सभी वर्कर के लिए सभी मैनेजर टीम भी अलग अलग होनी चाहिए सेकेंड टेक्निक देखो स्टैंडर्डिजन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिम्प्लीफिकेशन आर वाइटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फैक्टर अलग अलग फैक्टर्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करना कि अगर हमने वन के जी क्वान्टिटी रेडी करनी है तो उसके लिए कितनी हमें इन्ग्रीडियंट्स की कितनी कितनी क्वान्टिटी की नीड है तो वो स्टैंडर्ड सेट कर लेना कि वो स्टैंडर्ड बार बार चेंज ना हो दे मेक द स्टैंडर्ड्स फॉर वर्क टू बी परफॉर्म फॉर एवरी वर्कर अब वर्कर का भी सेट किया जाता है कि एक वर्कर ने कितना समय में कितना काम करना है अब देखो स्टैंडर्डाइजेशन द मेन पर्पज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज एज फॉलो टू रिड्यूज द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप एंड साइज कितना कौन सा टाइप बनाना है कितने साइज का बनाना है तो ये सारा स्टैंडर्ड सेट किया जाता है टू अलो इंटरटेचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट को आउटपुट को सेट न किया जाता है टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मैन मटेरियल क्वालिटी क्वांटिटी सब ये सेट किया जाता है कि किस स्टैंडर्ड का हमने प्रिपेयर करना है कितने मैन यूज करने हैं कितना मटेरियल यूज करना है कितनी क्वालिटी मेंटेन करनी है तो ये सारा स्टैंडर्डाइजेशन में आता है अब आ गया रहें सेकेंड सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स साइज वेराइटीज एंड ग्रेड्स of articles of production within the object of better control and elimination of waste. Waste को कम करने के लिए हम सब कुछ simplification कर देते हैं The main objective of simplification are economy in the use of machine के ज़्यादा खर्चा मशीनरी में ना हो economy in the use of staff के कोई worker free ना बैठा हो जितने की need है उतना ही हो ब्रिंगिंग डाउन लेबर कोस्ट लेबर कोस्ट को भी कम किया जाए तो ये सारा कुछ सिंप्लीफाई किया जाता है सारा कुछ इकोनॉमी कली यूज किया जाता है थर्ड टेक्निक देखो फेटिग्यू स्टडी फेटीग्यू का मीनिंग होता है थकावट थकावट में हम इस टेक्निक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक वर्कर को कितना समय काम करने के बाद उसको रेस्ट की नीड होती है जरूरत होती है टू डिसाइड अबाउट द फ्रीक्वेंसी कितने बार फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार उसको रेस्ट की नीड है कितने घंटों में टू डिसाइड अबाउट ड्यूरेशन कितना समय उसको रेस्ट चाहिए टू डिसाइड अबाउट नंबर ऑफ रेस्ट पॉजिस कितने बार चाहिए कब कब चाहिए तो ये सारा कुछ हम फैटिगू स्टडी में डिस्कस करते हैं फोर्थ टेक्निक है मैथड स्टडी मेथड स्टडी में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने वर्क करना है तो किस मेथड से करना है तो बेसिकली हमारे पास टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं फर्स्ट वन इज वाई हैंड मीन्स वाई लेबर जो हाथों से काम करेगी और सेकेंड वाई मशीनरी कि हम अगर हैंड्स की बजाय वर्कर्स की बजाय किससे काम करें मशीनरी से क्योंकि एक मशीनरी दस पर्सन का काम करती है तो ये हम मेथड में स्टडी करते हैं कि, कि किस मेथड से जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए और प्रोडक्शन क्या हो मैक्सिमम हो जाए बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाए फॉर एग्जाम्पल इफ वीविंग ऑफ क्लॉथ कैन बी डन वीविंग मतलब बुनना कपड़े को बुनाई का काम करना है दोनों वे, वे से हो सकता है मैनुअली बाई हैंड से भी हो सकता है और वाई हेल्प ऑफ मशीन से भी हो सकता है तो हम वही मेथड चूज करेंगे जिसका खर्चा कम हो और प्रोडक्शन क्या हो मैक्सिमम हो फिफ्थ टेक्निक देखो फिफ्थ टेक्निक है टाइम स्टडी ऑब्वियसली नेम से क्लियर है टाइम स्टडी में हम टाइम डिस्कस करते हैं कि एक फंक्शन को करने में कितना समय लगता है डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम कितना समय लगेगा वो स्टैंडर्ड सेट करना स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर समय वो काम करेंगे वो सेट करना डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कैरी आउट द वर्क कितने पर्सन काम करेंगे कैटराइज़ द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिशियंसी उनकी एफिशियंसी के अकॉर्डिंग वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना सिक्सथ है मोशन स्टडी द स्टडी इज कंडक्टेड टू ऑब्जर्व एंड डिसाइड द फॉलोइंग डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वाई लॉन् जॉब जब वो वर्क कर रहे हैं तो कब उनकी मूवमेंट करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे तो ये हम मोशन में डिसाइड करते हैं डिटरमाइन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स कि किस स्टेज में काम नहीं हो रहा किस में हो रहा है तो ये भी हम डिसाइड मोशन में करते हैं कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जिस स्टेज में काम नहीं हो रहा उसको कट डाउन करना ताकि वो वहां पर टाइम वेस्ट ना हो डिज़ाइनिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट टू मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वर्कर्स की अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं सही टूल्स को डिज़ाइन करते हैं सेवन्थ है डिफरेंशियल पीस बेज सिस्टम पीस पीस मीन्स टुकड़ा ठीक है वेज मतलब सैलरी कि जो पर्सन जितना काम करेगा उसको उतनी ही सैलरी देना जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा सैलरी ठीक है तो उस वे जिस उस बेसिस पे ही हम सैलरी डिसाइड करते हैं तो ये टेक्निक है सैलरी बेस पे मतलब वर्कर के वर्क पे डिपेंड करेगी टेलर वॉज अ व्यू ऑफ डिफरेंशियल वे सिस्टम वी पेड टू एफिशियंट एंड अनएफिशियट वर्कर इन दिस एफिशियंट वर्कर विल फील मोटिवेटेड जो एफिशिएंटली काम करते हैं अच्छे से काम कर रहे हैं वो कब मोटिवेट होंगे जब उनकी सैलरी हाइयर होगी वेजिस देन कम्पेरेटिव टू इन एफिशिएंट वर्कर्स तो ये हम डिसाइड करते हैं डिफरेंशियल फीस वेज सिस्टम में एट्थ पॉइंट है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन टेक्निक के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे एक वर्कर को मेंटली रेवोल्यूशन मतलब मेंटली चेंज किया जा सकता है तो फर्स्ट है देर शुड बी एटीट्यूड चेंज अमंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट तो हमें वर्कर्स की एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है कि वो अच्छे से खुद ही मोटिवेट होकर काम करें देयर शुड बी कॉपरेशन वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच कॉपरेशन को मेंटेन करना बोथ साइड शुड बी अवॉइडेड हमें बोथ साइड शुड अवॉयड सस्पेक्ट इन दोनों साइड्स को देखना तो ये है टेक्निक्स एड की ए टेक्निक्स रजे आपने राइट और लर्न करनी है फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल फॉरमेनशिप थी सेकेंड टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिम्प्लीफिकेशन थर्ड फैटिग्यू स्टडी फोर्थ मेथड स्टडी फिफ्थ टाइम स्टडी सिक्स्थ मोशन स्टडी सेवंथ डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम एंड एट्थ मेंटल रेवल्यूशन तो आज आपने ये सारी एड की ए टेक्निक्स अच्छे से लर्न करनी है और राइट करनी है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स